नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर लाइव मोनिका में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर और मेलबोर्न स्टार के बीच में जो 23 मैच नंबर खेला जाएगा 1:30 पे, उस मैच के बारे में। बाकी जो भी सदस्य हमारे चैनल पे नए हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फैंटेसी मोनिका विनर T10 के नाम से। और दोस्तों, यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री टीम्स आपको यहाँ पर मिलती है 100%। वो टीम आपके सामने है और रिजल्ट भी दोस्तों आपके सामने ही प्रोवाइड है। चलते हैं दोस्तों मैच के बारे में। दोस्तों, जो ये मैच है एडिलेड ओवल एडिलेड में, दोस्तों ये मैच शुरू होने वाला है, ठीक है। और बाकी जो प्लेइंग 11 है दोस्तों वो आपके सामने है। यहाँ पे मैथ्यूसोट, मैट हेनरी हंट, क्रिंसलिन एडम होज, कोलिन द ग्रैंडहोम, थॉमस कोल कैली और हैरी नेल्सन, रशीद खान, हेनरी थोरनटन, पीटर सेडल, वेस एगर, हैरी कॉनवे। और या मेलबोर्न की बात करें तो दोस्तों जो है कल की थॉमस रोजर्स, बेव वेस्टर, निक लिरकिन, मार्कस स्टोनिश, हिल्टन कार्टवेट, चैम्पबेल, नाथन कोल्टरनाइल, लुकी वुड, ट्रेंट बोल्ट, एडम जंपा, ब्रेडी कोच, लिम हेक्टर, ये दोस्तों यहाँ से इनकी प्लेइंग 11 होने वाली। और बाकी जो भी दोस्तों आपको फॉरगेट्स अपडेट्स जो भी मिलती है लाइनअप के बाद में, कुछ भी चेंजअप होता है आपको, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैंने दिया भी है, बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं फैंटेसी मोनिका विनर T10 के नाम से। ये हमारे चैनल का लोगो और ये हमारा एक ही चैनल है, बाकी अदरवाइज किसी अदर चैनल पर जाके आपको नहीं जुड़ना है। दोस्तों, यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है, पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो एडिलेड ओवल में, तो एडिलेड ओवल में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे अच्छे खासे रन बन भी जाते हैं, 170-180 का टारगेट है जो बन जाता है। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने दोस्तों अभी यहाँ पे टोटल 5 मैच में और तीन मैच दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और दो मैच दोस्तों बाद में बैटिंग करने वाली टीम दोस्तों यहाँ से जीती है। ग्राउंड बड़ा है दोस्तों, तो ग्राउंड बड़ा है तो दोस्तों यहाँ पे बॉलर्स को भी हेल्प हो जाती है। लेकिन पहले पहले क्या होता है, जैसे कोई भी पारी स्टार्ट होती है तो उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे पेसर्स को हेल्प देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत पेसर्स को अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही, जैसे मान के चलिए कि 8 या 9 ओवर हो गए, उसके बाद में थोड़ा सा गेम चेंज होता है, पिच थोड़ी चेंजमेंट हो जाती है और स्कोर करना भी दोस्तों थोड़ा आसान हो जाता है यहाँ पे। अब आसान होता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि स्पिनर्स को भी दोस्तों यहाँ पे विकेट मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्पिनर्स को विकेट मिलना शुरू तो अपने लिए, स्पिनर्स में कौन शॉट होने वाला है, मैथ्यू शॉट जो मिलेंगे सभी के पास मिलेंगे और कप्तान भी मिलेंगे, बताने की ज़रूरत ही नहीं इनकी तो। और दोस्तों यहाँ पर फिर एडम जंपा भी दोस्तों अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और आज के मैच में, लास्ट मैच में दोस्तों लोगों ने इनको इग्नोर भी किया था, हालांकि इस मैच में ये मुझे इनसे बहुत ही काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि शायद आज हाँ एडम जंपा को विकेट यहाँ से मिल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट को दोस्तों यहाँ जो है ओपनिंग में शायद एक आधा विकेट चटका दे। बाकी जो अपनी टीम है जो दोस्तों स्मॉल लीग की 2-3 मेंबर्स वो एक बार देखते हैं बना के ग्रैंड लीग्स का जो टॉप पिक्स है वो कौन रहने वाला है, स्मॉल लीग में कौन रहने वाला है। बाकी जिस सदस्य ने दोस्तों अभी तक विजन 11 डाउनलोड नहीं किया वो कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे हमारे वो लिंक दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। जो ग्रैंड लीग से आप इसमें देखिए तो 10 लाख रुपए के दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड लीग लगी हुई है। और दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों बहुत ईजी है, पोलार्ड सर की टीम को आपको हराना है, 50 रुपये लगाने हैं, डबल मिलते हैं इसमें। और 10,000 रुपये का दोस्तों फ्री गिव अवे, जो मेरे फ्री वाले भाई हैं, जो भी मेरे फ्री वाले भाई हैं उनके लिए गिव अवे है, पूरे 10,000 रुपये का
फ्री एंट्री, एक टीम आप इसमें लगा सकते हैं। तो जिसके पास नहीं वो जाके डाउनलोड कर लो, 300 रुपये आपको मिलेंगे रेफर कोड यूज़ करने पे। रेफर कोड है वो दोस्तों, आपको यूज करना है रेफर कोड। जैसे ही यूज़ करेंगे, यूज़ करते ही आपको दोस्तों 300 रुपये मिलेंगे। 300 रुपये मिलते के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर फ्री वाला जो कॉन्टेस्ट लगाओ इसको ज्वाइन कर लेना है। टीम की दोस्तों में आप बात करें तो अपने पास यहाँ से दोस्तों ये तीन ऑप्शन अपने को मिलते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। एलेक्स कैरी, जॉय कलर की, नाइलिसन। अब दोस्तों ये इसका तो कोई मतलब है नहीं, आपको पता है कि अगर आप इसको लेना चाहें तो ग्रैंड लीग्स में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं इस मूल लीग की टीम यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से दोस्तों इससे अच्छा ऑप्शन अपने पास किसी के पास नहीं, और हर बंदे के पास में दोस्तों मिलेगा जॉय कल की। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कार्टवेट ने दोस्तों लास्ट मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी। क्रिस लिन, निक लेरकिन और थॉमस रोजर्स लास्ट मैच में फ्लॉप भी रहे थे शायद ये दोस्तों, लास्ट मैच में 38, उससे पहले वाले में फ्लॉप रहे थे लगातार। इस वाले मैच में भी ओपनिंग करने आएंगे तो देखना होगा। ए हो जो दोस्तों ये भी ठीक प्लेयर है, बहुत अच्छा लास्ट और एवरेज पॉइंट दोस्तों यहाँ से दे रहे हैं लोग, इनको थोड़ा बहुत ड्रॉप करके चल रहे हैं, आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। हम यहाँ से किस किस को ले रहे हैं दोस्तों, क्रिस लिन को मैं यहाँ से ले रहा हूँ। कार्ट वेट पे दोस्तों थोड़ा सा रिस्क है, ये मैं बताऊंगा कब लेना कब नहीं लेना है, बाकी मैं चैनल पे अपडेट्स आपको डाल दूंगा उसी हिसाब से। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से अपडेट आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल दोस्तों मेरे पास यहाँ पे यही मैं लेने वाला हूँ। चार ऑप्शन दोस्तों अपने पास यही है। कार्ट वेट का दोस्तों मेरे को थोड़ा सा डाउट है, अगर मैं इसको चेंजमेंट करूँगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों अपने पास जो ऑप्शन है मार्कस स्टोनिस, मैथ्यू शॉट एंड दोस्तों कोलिन द ग्रैंड होम और बी वेबस्टर। वेबस्टर का क्या है दोस्तों, ये थर्ड फोर्थ नंबर पे दोस्तों बैटिंग करने आते हैं, प्लस बॉलिंग भी कर लेते हैं। बॉलिंग ये कब करेंगे दोस्तों, जब मार्क में चले कि स्टोनिस अगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर ये बॉलिंग डालेंगे। अगर स्टोनिस बॉलिंग डालते हैं तो फिर वेबस्टर दोस्तों यहाँ से बॉलिंग नहीं करेंगे। हो सकता है किसी एक प्लेयर को अगर रन लग जाते हैं तो वहाँ पे फिर ये आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। कोलिन द ग्रैंड होम में लेके चलने वाला हूँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने वाले हैं। बैटिंग आ गई तो बैटिंग से भी पॉइंट देंगे, बॉलिंग करेंगे तो बॉलिंग से भी इनको पॉइंट मिल जाएंगे। ये रह रहे हैं वेबस्टर है, लास्ट मैच में बैटिंग से फ्लॉप रहे थे, बॉलिंग इन्होंने की नहीं थी, लास्ट के कुछ मैच में आप इनके पॉइंट दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं। एवरेज है, पॉइंट एवरेज देते हैं। मैं इनको चारों को दोस्तों अभी टीम में लेके चल रहा हूँ। मार्कस स्टोन इसका दोस्तों क्या था कि इन्होंने 10 रन के आसपास में बनाए थे, एक विकेट इन्होंने लिया था अच्छा खासा शायद, और एक कैच पकड़ी थी, उनके टोटल पॉइंट मिला के 53 पॉइंट हो गया शायद। तो शायद मैं यहाँ से इनको ड्रॉप भी कर दूँ, लेकिन देखते हैं कि शायद किस हिसाब से लेना नहीं लेना, वो मैं बाद में आपको अपडेट करता हूँ। और इसके बाद में दोस्तों राशिद खान है मेरे पास में, लेके चल रहा हूँ। लोकी बोर्ड है इनको भी। एडम जंपा को दोस्तों यहाँ से देखिए, ये होगा अपना 11, एक प्लेयर ही तो अपना गेम बिगाड़ता है, और कौन बिगाड़ता है, ठीक है। एडम जंपा है, सामने वाले की टीम में शायद ना भी मिले तो यहाँ पे मैंने बताया कि पिच क्या होती है, बाद में स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। तो एडम जंपा दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। थोरंटोन है, ठीक है। अब 11th प्लेयर दोस्तों क्या होगा, ये कोई भी जो अपडेट्स आते हैं कौन प्लेयर खेलता है कौन नहीं खेलता है, मैं उसके हिसाब से ही आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। बाकी मैं अभी स्टोनिश के साथ में ही जा रहा हूँ। ये दोस्तों अपने स्मॉल लीग की टीम है, ग्रैंड लीग्स की टीम में आपको कप्तान वाइस कप्तान वेबस्टर है, कोलिन द ग्रैंड होम है। क्रिस लिन के साथ भी आप जा सकते हैं, राशिद खान के साथ में भी जा सकते हैं, और थोरंटोन के साथ में। CVC आपको दोस्तों दरवाजा यही ट्राई करना है, एक प्लेयर इधर उधर आप चेंजमेंट कर सकते हैं। मार्कस स्टोनिस, कार्टवाइट और निक लेरकिन के साथ में, ठीक है। लोकी वुड को भी दोस्तों आप यहाँ पे चेंजमेंट कर सकते हैं। स्मॉल लीग की टीम में दोस्तों कप्तान वाइस कप्तान बात करें तो मैं यहाँ से बिल्कुल सेफ ही जा रहा हूँ, मैं तो शॉट के साथ में ही जा रहा हूँ दोस्तों कप्तान में। 4 ओवर बॉलिंग है प्लस बैटिंग है, अच्छे खासे पॉइंट दोस्तों यहाँ से मिलेंगे। और वेबस्टर का दोस्तों मेरे को यहाँ से कुछ अगर पॉइंट मिलेगा कि वेबस्टर बॉलिंग कर रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से ही इनको CVC करने वाला हूँ। हालांकि नहीं तो फिर मैं यहाँ से राशिद खान को एक साथ में मैं ट्राई करूँगा, CVC इनके साथ में ही ट्राई करने वाला हूँ।
क्योंकि पिच आपको पता है बाद में स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, तो मौका बनेगा इनके साथ में। तो इसी वजह से दोस्तों मैं यहाँ से राशिद खान को कप्तान बना रहा हूँ। बाकी जो जो भी सदस्य नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, तो दोस्तों आप यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री टीम दोस्तों आपको यहाँ पर दी जाती है, 100% फ्री। और कुछ भी चेंजमेंट अगर होता है दोस्तों, वो फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में।